पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन का पीएम मोदी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का फायदा उठाया है और राजनीति की है। रामचंद्र जी सारे हिंदुओं और इंसानों के लिए आइडियल शख्सियत हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी उनकी ठेकेदार बन गई है और रामचंद्र जी को उन्होंने हमेशा सियासत में घसीटा है। तो वहीं राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या के मुसलमानों द्वारा पीएम मोदी के धनीपुर मस्जिद की बुनियाद रखने की मांग पर सपा सांसद ने कहा कि ये उनका अपना ख्याल है, वो कराना चाहते हैं तो करें, लेकिन आम मुसलमान नहीं चाहता इस बात को। राम मंदिर निर्माण की उद्घाटन की जो तारीख है वो सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण गया है, जो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि वो उसका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि साधु संतों की तरफ से भी ये बयान आया है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस पार्टी ने, बीजेपी ने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का फायदा उठाया है और राजनीति में ही उन्हें लाकर, जबकि रामचंद्र जी तो सारे हिंदुओं के और सारे इंसानों के लिए एक आइडियल शख्सियत हैं। रामचंद्र जी ने मैसेज दिया पूरी इंसानियत को, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले शायद उनके ठेकेदार बन गए। रामचंद्र जी को इन्होंने हमेशा सियासत में घसीटा, ये उनकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं अयोध्या के, वो इस बात पे कि जो नई मस्जिद बनने की बात हुई थी उसका भी उद्घाटन अब प्रधानमंत्री कर दे, जब उसका उद्घाटन करने के लिए शिलान्यास कर दे। अभी उनका अपना ख्याल है, वो कराना चाहते हैं, लेकिन आम मुसलमान तो नहीं चाहता इस बात को। सांसद जी, आज कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल गए, जहां उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, आजम खान की तरफ से मना कर दिया गया। वही उन्होंने बाहर निकलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में आकर जेल प्रशासन ने नहीं मिलने किस तरह से। देखिए, कोई किसी से मिलने जाए, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा होता कि कांग्रेस वाले उन लोगों से कहते जिन्होंने आजम खान के ऊपर मुकदमे लगाए हैं, 60% मुकदमे आजम खान साहब के ऊपर कांग्रेसियों ने ही लगाए हैं, वो मुकदमे अगर वापस लें या एफिडेविट लगा दें तो और अच्छा होता। हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई मिले, कोई जाए, कोई आए, हमें इससे कोई वो नहीं है सरोकार। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेता भी हैं और समाजवादी पार्टी के संरक्षक भी हैं। आज़म खान साहब ने इसे अपने खून से सींचा है इस पार्टी को, और समाजवादी पार्टी आज़म खान साहब के साथ हर वक्त खड़ी रही है। किसी को ये मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने आज़म खान साहब के लिए ज़्यादा नहीं करा, ये आज़म खान साहब भी जानते हैं और समाजवादी पार्टी भी जानती है। क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस उनको कहीं ना कहीं अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर? भाई, वो इतने बड़े नेता हैं कि उनको तो हर आदमी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है। तो क्या आदमी अपने घर को छोड़ के, जो उसने अपने हाथों से बनाया हो, जा सकता है कि? मुस्लिम वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजम खान साहब का जब नाम इसमें जुड़ा है तो किस तरह से देखते हैं 24 में मुस्लिम वोटर्स किस तरफ जाएंगे, क्योंकि सब अभी तक भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्मेलन कर रही थी, अब कांग्रेस भी इसी राह पर निकल चुकी है और जो है कांग्रेस लगातार मनाने के लिए। देखिए, इस देश का मुसलमान देश के अंदर सेकुलर गवर्नमेंट चाहता है और सेकुलर गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन ही दे सकता, उसके अलावा कोई नहीं दे पाएगा। तो मुसलमान तो हमारी यही समझ है कि 99% इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। मुसलमान कभी उन पार्टियों के साथ नहीं जा सकता जिन्होंने मुसलमानों की सिवाय दिल आज़ारी के कुछ नहीं करा है। तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में अभी गठबंधन करेगी, इंडिया गठबंधन? गठबंधन तो अभी भी है, क्या गठबंधन टूटा थोड़ी है? गठबंधन 2024 का तो है। गिरिराज सिंह आज बेगूसराय के दौरे पे गए थे, बेगूसराय में जो हिंसा हुई है उसके लेकर के उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार जो है वो हिंदुओं को वहाँ पे टारगेट करवा रही है,
साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने भूल करी थी, अगर उस समय सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए होते तो आज ऐसी दुर्दशा हिंदुओं की नहीं। देखिए, जब गिरिराज सिंह जी साहब का नाम आता है तो हमें एजेंडा पहले ही समझ में आ जाता है कि हिंदू मुसलमान की बात आएगी ज़रूर। उनकी तो पर्सनालिटी इस तरह की है, हिंदू मुसलमान यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। बदकिस्मती ये थी कि पाकिस्तान बन गया और रहते रहेंगे ऐसे, गिरिराज सिंह और एस टी हसन आते और जाते रहेंगे, किसी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या 2024 से जोड़ करके देखा जाए तो वो तो पोलराइज करते ही हैं वोट को, वोट पोलराइजेशन के लिए हिंदू मुसलमान करना है उन्हें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।